मित्रों नमस्ते। महाराष्ट्र की राजनीति नित नए रंग दिखा रही है। शिवसैनिक कांग्रेस का संघ, घोर सावरकरवादी पार्टी, घोर सावरकर विरोधी पार्टी संघ गठजोर कर रही है, तो राजनीतिक चर्चा इस पे हुई कि ये बेमेल शादी है। राजनीति में यही होता है, अपने तर्क को कमजोर होते देख कुतर्क गढ़ने की, और दूसरी तरफ यह भी चर्चा होने लगी कि यदि भाजपा कश्मीर में महबूबा संघ गठजोर कर सकती है तो सेना ने यदि कांग्रेस संघ गठजोर कर लिया तो क्या गलत किया। लेकिन हम आपको बताएंगे कि यह गठजोर नवीन नहीं है, दरअसल सेना के डीएनए में ही कांग्रेस है, और कैसे ये शिवसेना की घर वापसी है इस पे चर्चा करेंगे। आप दिलचस्प देखिए कि चर्चा ये होती है कि कांग्रेस के संग यह सेना का पहला गठजोर नहीं है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे तथ्य देकर यह साबित करने की कोशिश की जाती है। वो जो बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, मीडिया का वो वर्ग जो चाहता है कि किसी ढंग से भाजपा की सरकार वहां ना बने, वो तर्क गढ़ रहे हैं कि जब प्रतिभा देवी पाटिल की को राष्ट्रपति बनाने की बात आई और कांग्रेस को जब सेना की जरूरत थी तो शिवसेना ने अपने मुख्य सहयोगी भाजपा से अलग हट करके प्रतिभा देवी पाटिल को सहयोग किया था। प्रणब मुखर्जी जब भारत के राष्ट्रपति बनने वाले थे तो उस समय में सेना ही थी जिसने भाजपा से अलग हटकर कांग्रेस को सपोर्ट किया और प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनने के राह को आसान किया। तर्क ये भी दिए जाते हैं कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी को बाला साहब ठाकरे ने साथ दिया था। इन सब तर्कों के पीछे शिव सैनिक कमजोर दलील देती हैं और वो कहते हैं कि ये प्रतिभा देवी पाटिल के लिए तो मराठा मानुस का मसला था, प्रणब मुखर्जी का व्यक्तिगत मामला था, और 77 में जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी जो 75 में लेकर आई थी, उस समय में शिव सैनिक का विचार ऐसा था कि इस देश को कठोर तरीके से ही बदला जा सकता है। ये तर्क सतही नजर आते हैं। तर्क ये भी दिए जाते हैं कि इंदिरा गांधी, कई बार ये छोटी सी तर्क दी जाती है कि इंदिरा गांधी ने ही शिवसेना को पैदा किया ट्रेड यूनियनों को बताने के लिए। लेकिन क्या सच ये है? हम उस तथ्य पे चर्चा करते हैं। 1960 में जब जॉर्ज फर्नांडिस उभरते हुए नेता बन रहे थे, ट्रेड यूनियनों का दबदबा महाराष्ट्र में था, खास करके मुंबई में, तो धीरे धीरे नेहरू काल के समय में ही कांग्रेस परेशान होने लगी मुंबई में, और लगातार ट्रेड यूनियन के कई इकाई जो हैं वो सरकार के अलग अलग खंडों को परेशान करने लगा। जॉर्ज फर्नांडिस उस समय चुनाव लड़े और मराठी नेता अजय, जो मराठी नेता थे, एक एस के पाटिल, उन्होंने हरा दिया और उसके बाद उनका राजनीतिक करियर ही खत्म हुआ। एस के पाटिल बेहद कद्दावर नेता थे महाराष्ट्र के। वहां से उन्हें हराने के बाद 1967 का यह दौर था और उस समय एकाएक जॉर्ज फर्नांडिस का कद बढ़ता चला गया। इंदिरा गांधी के खिलाफ जब धीरे धीरे 71 के बाद से मुहिम चलने लगा दिल्ली में 73-74 में, उस समय में ट्रेड यूनियन पीक पे था और धीरे धीरे वहां पर जब बसंत राव नाइक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके थे, बसंतराव नाइक ने ट्रेड यूनियन आंदोलन को कमजोर करने के लिए शिवसेना को दाना पानी देना शुरू कर दिया था। ऐसा और शिवसेना में ताकत भरनी शुरू कर दी थी शिवसैनिक ट्रेड यूनियन के कर्मी थे उनकी पिटाई करते थे और उसके बाद उनके खिलाफ माहौल बनाते थे। धीरे धीरे बाला साहब ठाकरे ने कहा कि इसके बदले हमें क्या मिलेगा, तो कांग्रेस ने उन्हें विधानसभा और विधान परिषद में राजनीतिक ताकत देनी शुरू कर दी। वहीं से राजनीतिक उत्पत्ति बाला साहब ठाकरे की पार्टी की हो गई। उससे पहले वो एक आंदोलनकारी संगठन मात्र था जो दक्षिण भारत के नेताओं के लोगों के खिलाफ मुहिम चला रहा था कि लुंगी भगाओ पुंगी बजाओ। दरअसल वो उस समय तमिलनाडु और केरल से आए हुए जो महाराष्ट्र पे जो बोझ पड़ रहा था, खास करके मुंबई पर, उसके खिलाफ एक आंदोलनकारी संगठन के रूप तक थी। लेकिन वसंतराव नाइक ने उनमें राजनीतिक शक्ति पैदा की। विधान परिषद और विधानसभाओं तक ही नहीं, निचले स्तर पर नगर निगम,
और नगर पालिकाओं में भी कांग्रेस ने उन्हें सहयोग देना शुरू कर दिया, उन्हें राजनीतिक ताकत देनी शुरू कर दी, उनके सपोर्ट करने शुरू कर दिए और कांग्रेस के वोटर लगातार शिव सैनिकों को जिताने लगे विधानसभा में और वहां से फिर विधान परिषद में भी कांग्रेस ने उसे भेजना शुरू किया। ये बसंत राव नाइक का राजनीतिक दांव था कि कैसे वहां खत्म किया जाए ट्रेड यूनियन को। दरअसल जब जॉर्ज फर्नांडिस उस समय में जब दिल्ली आ चुके थे महाराष्ट्र छोड़ करके एक ताकतवर नेता के रूप में, तो वहां दत्ता सावंत का उदय हो चुका था ट्रेड यूनियनों के लिए। महाराष्ट्र फर्नांडिस दिल्ली में इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, वो तस्वीर आपको याद होगी जो जेल हथकड़ी लगी उनकी यूं करके तस्वीर जो जॉर्ज फर्नांडिस की उस दौर में अखबारों में छपी थी, तो वो जो सुर्खियां उनकी थी वो महाराष्ट्र में ट्रेड यूनियन नेता के रूप में उभर कर आया था जो दिल्ली तक पहुंच चुका था, तो उसके जगह पे दत्ताराव सावंत महाराष्ट्र में आ चुके हुए थे। दत्ता सावंत को दबाने के लिए और ऊर्जा लगानी पड़ा बसंत राव को, और बसंत राव नाइक मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी से कहा कि हमें इन्हें और ताकत देनी होगी। धीरे धीरे शिव सैनिक ताकतवर होते चले गए, सत्ता के शाह पे उन्हें गुंडागर्दी करने की आजादी मिली और खुलेआम वो पिटाई करते थे। उसके बाद पहले साउथ इंडियन की, फिर तब तक जब शुरुआत में 70 के दशक के आखिर तक जब बिहार और यूपी के लोग वहां जाने लगे तो सत्ता की ताकत से, सत्ता के सहयोग से शिव सैनिक अराजक होने लगे और कहते हैं आमतौर पे कि जब तक सत्ता का सहयोग ना हो तब तक कोई भी गुंडागर्दी पनप नहीं सकता। सत्ता के सहयोग से, कांग्रेस की सत्ता की ताकत से शिव सैनिक का गुंडागर्दी चरम पे पहुंचा और इतना चरम पे पहुंचा कि लोग उन्हें खौफ खाने लगे। बॉलीवुड से लेकर के तमाम संगठनों में शिव सैनिकों का दबदबा बढ़ गया और इस कदर से शिव सैनिक ऊर्जावान हो गई। कांग्रेस का लगातार पोषण शिव सैनिकों को मिलता रहा, इंदिरा जब तक रही तब तक शिव सैनिकों को वहां राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। और चुनाव धीरे धीरे अलग अलग लगे मगर राजनीतिक संरक्षण जारी था और यह संरक्षण 80 के आखिर तक जारी था। उस समय तक शिवसेना चरम तक पहुंच चुकी हुई थी, शिवसेना का एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान होने लगी, मगर ये कि वो तब तक वो सिर्फ मराठा राजनीति करती थी। लेकिन 80 के आखिर समय में शिव सैनिकों को लगा कि अब महाराष्ट्र से बाहर निकलना होगा, एक राष्ट्रवादी छवि बनानी होगी। तब तक पाकिस्तान के साथ जो भारत क्रिकेट में हारता था उस पे चूंकि वो हिंदू मुस्लिम करने लगे तो उसमें उन्होंने बानखरे स्टेडियम की खुदाई से लेकर उन्होंने राष्ट्रीय छवि बनानी शुरू कर दी। इसीलिए अब देखिए दिलचस्प ये है कि संजय राउत इस टकराहट में जब महाराष्ट्र में उनकी सरकार नहीं बन पा रही है और वो कांग्रेस संग आते दिख रहे हैं तो टीस है और एहसास कराते हैं कि जब अछूत थी भारतीय जनता पार्टी, जब तमाम राजनीतिक दल उन्हें अछूत मानती थी, उस समय वो शिव सैनिक ही थे जिसने भाजपा के साथ पहली बार 30 साल पहले गठजोड़ किया। भारत भाजपा को राष्ट्रीय राजनीति में ताकत बनाने में शिव सैनिक की भूमिका है, ये सामना अखबार में फिर से संजय राउत लिखते हैं और ये बताते हैं देश को कि आज भाजपा गठबंधन के सहयोग से इतनी ताकतवर बनी तो शिवसेना के बदल पे, क्योंकि हमने उनके अछूत धर्म को खत्म किया। आखिर जब आप दोनों की विचारधारा एक जैसी थी तो शिवसेना क्यों कह रही है कि भाजपा अछूत थी और हमने उन्हें छुआछूत से मुक्त कर दिया। भाजपा अछूत क्यों थी? भाजपा अछूत ये थी कि सेकुलरिज्म की जो राजनीति इस देश में चली, कांग्रेस ने जो एक ढोंगी सेकुलरिज्म चलाया और उसके बाद जो क्षेत्रीय क्षत्रपों ने एक मुस्लिम वोट बैंक को संगठित करके और एक खास जाति और मुसलमानों के वोट लेकर के 28-27% के आधार पर जब सत्ता हासिल करने का रिसर्च किया और उसमें उन्हें सफलता लगी तो उन्हें लगा कि ये सेकुलरिज्म का दांव ही सिर्फ चलेगा। उस दौर में जब भाजपा और सेना की विचारधारा एक थी या फिर सेना भाजपा से भी कट्टर हिंदूवादी थी तो फिर भाजपा सेना ये कैसे कह रही है कि हमने आपके अछूत होने के आप से आपको मुक्ति दिला दी? ये तमाम परिवेश ये जो चीजें हैं वो तथ्य आपको ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस
की तरफ सेना का जाना उनकी घर वापसी है। सत्ता कुछ भी कराती है, तर्क आप कुछ भी गढ़ सकते हैं, लेकिन ये तथ्य है कि कैसे सेना को अपने वजूद के लिए ताकतवर बनाया कांग्रेस ने, और फिर शिवसेना ताकतवर होती चली गई सत्ता के ताकत से, सत्ता के संरक्षण से महाराष्ट्र में इतनी ताकतवर होती चली गई कि फिर कहते हैं ना भस्मासुर हो जाना कांग्रेस के लिए खतरनाक हो चुकी थी। लेकिन अब सेना को लगता है कि अपने वजूद की रक्षा के लिए उसे फिर अपनी पितृशक्ति के पास जाना होगा, और इसीलिए वो एक अपने आत्मरक्षा के लिए, अपने वजूद की रक्षा के लिए वो अपनी पितृसत्ता की तरफ फिर जाने को विवश दिख रही है। लेकिन मजबूरी तो कुछ कांग्रेस की भी है, कैसे साबित करे कि उनका और सेना का DNA एक है, ये जब कांग्रेस स्वीकार कर पाएगी तभी ये बेमेल गठजोड़ जो है वो मेल वाला गठजोड़ दिखने लगेगा। बहुत बहुत आभार आप सबको। यदि आपको ये विश्लेषण और ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभार आप सबका।